देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर एक इंडियन वाटर माउंटेन। टूटा ना पाइप टूटना का पूछ चला था नहीं अब चली सारे क्या करते रहे। अच्छा 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 भाई देखे यार देख सकते दोस्तों यहाँ पर एक इंडियन वाटर माउंटेन रिजर्व पिचकोपड़ी है ये देख सकते हैं। कौन सा गांव है यार भैया? हबीब नगर है। हटा 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 ऊपर से निकले भैया भैया ऊपर से नीचे एकदम फांसी नहीं है बिल्कुल। हटा हुआ रहा बिजली के तार तो ना वहाँ देखे उधर भी भागेगी यार मैं एक बंदा रहे तो ठीक है किधर है वह नीचे बैठेगी वो आराम से पकड़ ले यार। देख सकते हैं दोस्तों ये रही वाटर बीच खोपड़ी पीछे का हाथ डच पकड़ कर पकड़ ले पकड़ ले हटा ला ऐसे जगह पे ज्यादा बीच खोपड़ी रहे तो नहीं क्या गांजा सिंह है। अरे आराम से करो ना लगे देखो हाँ हाँ टूटा ना पाइप टूटना पापू चुके किसी ने टूटा हाँ थोड़ा चला तो नहीं अब चली सारे क्या करते रहे। अच्छा 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 नहीं 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 टूटेगा नहीं। अरे इसमें देखिए किसी प्रकार का जहर नहीं होता समझ रहे। अच्छा हाँ मेरे हाँ मेरे बताने के बाद भी मगर लोग मगर मानते नहीं है तो ये कैसे सब डरा थे इनकी। अब वो जो भय है वो इसके मुंह में मतलब बैक्टीरिया रहते हैं मान लो सड़ा गड़ा खाती है इस चक्कर में काट भी लिया पहली बार वो काटेगी नहीं वो खाली अभी अभी क्यों काटेगी वो वहाँ घूम रही है। रेडियो में बता देना भाई नहीं घर छोड़ कौनों के दिल न माने यार चाहे जितना बता दे। अरे हर जगह मैं अपने गांव में समझा दो नहीं मानते अभी क्या बताएं बताइए। अच्छा समझ रहे नहीं 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 समझा एक एक दिखा देना कहीं झूठा ले चल 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 नहीं फिर भी मनाइए इतना डरा थी मान मेन बात ये क्या कर दो जी क्या छोड़ देंगे चले आगे चलो दोस्तों देख सकते हैं अभी अभी एक ईंट में से निकाल के लाया वो छत पे थे हमें लगा नहीं टाइम मिलेगी मगर मिल गई है। इसे दोस्तों बिचकोपड़ी बोलते हैं आप देख सकते हैं मगर बिचकोपड़ी है नहीं दोस्तों इसे इंडियन माउंटेन लिजर्ड बोला जाता है वाटर वाटर माउंटेन लिजर्ड के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इसे तैरने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है दोस्तों ये इसका परफेक्ट मतलब नेचुरल हैबिटेट है। यहाँ पर मेंढक मिलेंगे रोडेंट्स मिलेंगे और बाकी खाने की चीज़ें और पानी तो है ही जाहिर सी बात है और इसकी मतलब अच्छी जगह है ताकि ये फल फूल लें और अपना जीवन अच्छे से बिताएं देख सकते हैं आप।